एक गांव में एक धनवान आदमी हुआ करता था। उसका नाम जितेंद्र था। वो दिल का बहुत अच्छा था, सब पे भरोसा करता था। जितेंद्र का बेटा सुदर्शन उसी गांव के एक कॉलेज में पढ़ता था। जितेंद्र के घर में बहुत सारे काम वाले रहते थे। उनमें मुन्ना नाम का एक नौकर था। मुन्ना चोर था, मगर इस बात से अनजान जितेंद्र उस पर ही ज्यादा भरोसा करता था। हर काम मुन्ना को बताता था। मुन्ना को दीवार पर टांगे जितेंद्र और सुदर्शन के कपड़ों में से पैसे चुराने की आदत थी। एक बार सुदर्शन कॉलेज कैंटीन में बिल भरने के लिए देखा तो पैसे कम थे, इससे वो चिढ़ गया। घर आकर सारे काम वालों के सामने पिता से, पिताजी फिर से मेरे जेब में से पैसे गायब हुए हैं, कोई हमारे जेब में से पैसे चुरा रहा है, कहा जितेंद्र। तब हमारे घर के काम वाले ऐसे नहीं कर सकते बेटा, कभी कभार मेरे जेब में से भी पैसे गायब होते हैं, लगता है ये काम किसी बाहर के चोर का है, मगर हमारे नौकर वैसे नहीं है, कहा मुन्ना। तब छोटे साहब, साहब सच कह रहे हैं, हमारे घर में आप हमारा इतना अच्छा ख्याल रख रहे हैं तो किसी को चोरी करने की क्या जरूरत पड़ेगी। बोलिए, कल आपके जेब में के 10,000 रुपए में से सिर्फ 2,000 रुपए ही गए ना, लगता है आप ही कहीं खर्च करके भूल गए होंगे, एक बार देख लीजिए, कहा जितेंद्र। तब पता नहीं, ये भी हो सकता है, आप पे शक करने के लिए मुझे माफ कीजिए, कहा। एक बार जितेंद्र एक बड़े सूटकेस भर के पैसे लाकर अलमारी में रखता है। अलमारी में रखते वक्त मुन्ना छुप के खिड़की में से देख लेता है। मुन्ना तब बाप रे बाप, कितने पैसे, पूरे लेकर भाग गया तो जिंदगी सेट हो जाएगी, ये चाबी कहाँ पे रखते हैं मुझे पता है, सही मौका देखकर पैसे चुराकर भागना है, सोचा। बाद में सुदर्शन एक बॉक्स के साथ घर आया, उस पर हल्दी और कुमकुम लेप करके उस पे एक माला भी चढ़ाया हुआ था। सुदर्शन उसे घर के स्टूल पे रखने लगा तो सब आश्चर्य से देखने लगे। जितेंद्र तब बेटा सुदर्शन, ये बॉक्स क्या है, लगता है इसकी पूजा भी की है, कहा। सुदर्शन तब पिताजी, एक स्वामी जी हमारे कॉलेज को आए थे, वो थोड़े खिलौने पे मंत्र डालकर मुझे दिए, इसे घर के हर कोने में रखे तो घर के लिए शुभ होगा बोले थे, कहकर उस बॉक्स में से थोड़े बंदर के खिलौनों को बाहर निकाला। वो बंदर के खिलौने दूरबीन पकड़कर देख रहे थे। मुन्ना तब सुदर्शन साहब, ये खिलौने मस्त हैं, अब बहुत प्यारे भी हैं, मैं ही इन्हें ले जाकर कोने कोने में रखूंगा, कहा। सुदर्शन तब जरूर मुन्ना, मैं जहाँ कहूँगा वहाँ रखो, चलो, कहा। ऐसे सुदर्शन हर कमरे के कोने में एक मेज रखवा कर उसके ऊपर उन खिलौनों को रखवाया। एक बार रात के समय मुन्ना जितेंद्र के सोते वक्त चोरी छिपे तकिया के नीचे से चाबियां चुराया और उस चाबी की मदद से अलमारी को खोलकर उसमें रखे पैसों के सूटकेस को चुराकर ले गया। उसे अपने घर में पलंग के नीचे रखा। अगले दिन भोला जैसे शक्ल बनाकर काम को आया। तब तक जितेंद्र काम वालों से सुदर्शन से बात कर रहा था। हे भगवान, 50 लाख रुपए अलमारी में से कैसे गायब हो गए, कल मुझे वो पैसे एक जगह भरना था, अलमारी बंद ही है, मगर अंदर का सूटकेस कैसे गायब हुआ, कहा। मुन्ना तब ये क्या साहब, उतने पैसे आपने घर में कैसे रखे, बैंक में रख सकते थे ना, तुरंत पुलिस वालों को बुलाइए, चोर कौन है पता चल जाएगा, हम उसे पकड़ कर उसकी धुलाई करेंगे, यूं दूसरे काम वालों को देखते हुए कहा जितेंद्र। जरूरत नहीं है मुन्ना, वो चोर कौन है अभी बताता हूँ, सब मेरे साथ आइए, कहा। ऐसे वो सबको लेकर कमरे के कोने में रखे उस बंदर के खिलौने के पास आकर उसे एक लकड़ी से मारा, बस वो खिलौना टूटकर उसके अंदर से एक सीसीटीवी कैमरा गिरा। उसे देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। सुदर्शन तब जैसे आप सोच रहे हैं ये खिलौना नहीं है, ये सीसी कैमरा है, ये जो भी रिकॉर्ड करता है वो सब फोन में देख सकते हैं, पिताजी मेरे फोन में वो चोर कौन है देखिए, मैंने सुबह ही देख लिया है, कहकर उसे फोन दिया। जितेंद्र फोन में वीडियो देखा तो उसमें मुन्ना सूटकेस को चोरी करके वहां से जाना दिखाई दिया।
सुदर्शन तब, रे मुन्ना मुझे तुम पर शक था इसीलिए ये सब किया। तुम परसों मेरे जेब में से 2,000 रुपए चुराए जब तुम्हारे होशियारी से मेरे जेब में 10,000 रुपए थे कहकर बोले थे, याद है? मेरे जेब में 10,000 रुपए थे कहकर इसे कैसे पता चला कहकर मैंने सोचा, तब से तुम पर नजर रखने लगा। अब तुम ऐसे पकड़े गए, चोर कही के चलो पैसे कहाँ पर रखे नहीं दिखाए तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा, कहा। मुन्ना अपने घर में सूटकेस को निकाल कर देते ही सब मिलकर उसे खूब मारे। बाद में मुन्ना उस गांव को छोड़कर चले गया।